नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल किरत ब्लॉगर। और गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज का ब्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग है मेरा 1 जनवरी का, तो न्यू ईयर का मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये वाला। तो मैंने आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी, उस दिन हमने प्रभात फेरी बुलाई थी। तो अब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आफ्टरनून से। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा कूनी साहब। तो इस ब्लॉग में आप मेरे साथ गुरुद्वारा साहब के दर्शन करना, बहुत ही मन को शांति मिलती है। तो अब हम जा रहे हैं दरबार साहब, हमने अपने पैर वॉश कर लिए हैं। तो आप भी मेरे साथ दरबार साहब के दर्शन करना। वाहिगुरु जी, दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं भोरा साहिब में। तो आप भी भोरा साहिब के दर्शन कर लीजिए। फ्रेंड्स, दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि दरबार साहिब में, गुरुद्वारा साहिब में भी खेती करते हैं। गुरुद्वारा साहिब की ज़मीन है तो यहाँ पे लगा रखे हैं फली मटर। तो देखिए, मटर और ब्रोकली और ये है कॉलीफ्लावर, गोभी लगा रखी है। तो सब्जियां लगा रखी हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही। तो ये देखिए, क्लोज से मैं आपको मटर दिखा रही हूँ। ये है लहसुन, तो लहसुन भी गुरुद्वारा साहिब के अंदर लगा रखा है। अब हम आ गए हैं लंगर की ओर, लंगर हाल में अब आ गए हैं हम। तो गाइस, अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। गुरुद्वारा साहिब में सरसों लगी हुई है, तो आप भी देख लीजिए। साग तो आपने सब ने खाया होगा, तो ये फूल आ चुके हैं। तो अब दर्शन कर लीजिए बाहर से गुरुद्वारा साहिब के। अब हम जा रहे हैं घर को वापस। तो बच्चों की डिमांड पे मैं आज घर पे जाके बनाऊँगी पाव भाजी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी रेसिपी शेयर करूँगी, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब जीरा डाल दिया है, जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया तो फिर उसमें मैंने आलू ऐड कर दिए, गोभी ऐड कर दी, मटर ऐड कर दिए। तो उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर दी। सभी सब्जियों को पहले मैंने कट कर लिया था, तो अब मैंने इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया है एंड 4 हरी मिर्च। अब इसमें नमक डाल के, 1 गिलास पानी डाल के, इसको मैंने 3 सीटी लगाने के बाद, तो सब्जियों को मैश कर रही हूँ यहाँ पे मैं। अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने बटर ऐड कर दिया है। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो एक ग्रीन कटा हुआ प्याज मैंने इसमें ऐड किया है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पाव भाजी में। अब एक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है मैंने। तो उसके बाद हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून, और ये है मेरे पास पाव भाजी मसाला, 2 टेबल स्पून मैंने पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, और अब एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब मैंने नमक ऐड कर दिया। देखिए, हमारा मसाला बन के रेडी है, क्योंकि इससे ऑयल अलग हो चुका है। अब मैशर की सहायता से अच्छे से मैं इसको मैश कर लूँगी, और फिर जो हमने सब्जियाँ मैश करके रखी थी वो मैंने मसाले में ऐड कर दी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाव भाजी में मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, थिकनेस के अकॉर्डिंग हम पानी ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, जिसको मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो हाथ की हथेली से मसलने के बाद हमने पाव भाजी में ऐड कर दिया। अब ग्रीन धनिया मैंने ऐड कर दिया है पाव भाजी में, और देखिए, अब थोड़ा सा मेरे पास ग्रीन प्याज पड़ा था वो मैंने ऐड कर दिया है।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब सारा बटर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम मसाला पाव बना के रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने मार्केट से पाव परचेज कर लिए हैं। अब गैस पे मैंने एक पैन रख दिया, उसमें हम बटर ऐड कर देंगे। अब मैंने उसमें धनिया ऐड कर दिया है, अब थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है। तो जो हमने पाव भाजी बना के रखी थी वो पाव भाजी मैंने ऐड कर दी है इसमें। तो अब थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है। तो अब हम पाव को इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मसाला पाव बन के हमारा बिल्कुल रेडी है स्ट्रीट स्टाइल। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन धनिया और ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब हम पाव भाजी को कर लेते हैं सर्व। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, बहुत ही डिलीशियस पाव भाजी हमारी घर में ही बन के रेडी है। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा है। अब मैंने प्लेट में पाव भी रख दिया है। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। जैसे हमें मार्केट में पाव भाजी सर्व करके देते हैं तो वही लुक देने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। तो लग रही है ना हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी डिलीशियस एंड गुड लुकिंग पाव भाजी। फ्रेंड्स न्यू ईयर स्पेशल पाव भाजी बनके हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम सब इंजॉय कर रहे हैं पाव भाजी, आप सब भी हमारे साथ इंजॉय कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको अब क्लोज से दिखा रही हूँ कि कैसी बनी है हमारी पाव भाजी। तो देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी हमने घर में ही बना के रेडी कर ली है। तो आप सब भी ऐसे ही घर में पाव भाजी ज़रूर ट्राई करना।